the levels of organization, जो biological organization है उसके different levels हैं. नंबर वन सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल आता है, और यह इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सारे मैटर हैं वो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, और एलिमेंट जो है वो एटम से मिलके बना होता है, और एटम क्या होता है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं. और देर आर 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स डेट अकर इन नेचर, जिसमें से 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स हैं. और बायो एलिमेंट्स ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये 99% टोटल मास बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का. और बाकी जो है वो 10 जिसमें पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन, ये 1% टोटल मास बनाते हैं. फिर ये कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन बायो एलिमेंट्स की बताई है. प्रोटोप्लाज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1% और अदर्स 1%. जो अदर्स 1% को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे जो ये 6 एलिमेंट्स हैं ये 99% कंपोजिशन करते हैं प्रोटोप्लाज्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म में. और जो मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कंपाउंड का जो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखता है. फिर मॉलिक्यूलर लेवल सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें जो बायो एलिमेंट्स हैं वो आइसोलेटेड नहीं होते, वो कंबाइंड भी होते हैं बाय आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग से, और ये कंबाइन होकर एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल कहेंगे. और डिफरेंट काइंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट इनकी स्पेसिफिक बॉन्डिंग्स होती है, अरेंजमेंट होती है, और डिफरेंट वैरायटीज होती हैं. और इसके टू टाइप्स हैं मेन, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स. माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके लोअर मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, जिसमें ग्लूकोज, वाटर आ जाता है. और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसके हायर मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं, जिसमें स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स आ जाते हैं. फिर थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑर्गेनेली और सेल लेवल, जिसमें बायो मॉलिक्यूल जो हैं वो असेंबल होते हैं पर्टिकुलर वे में और ऑर्गेनेलीज बना देते हैं. ये ऑर्गेनेलीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि आगे असेंबल होके सेल्स बनाते हैं जो कि यूनिट ऑफ लाइफ है. और हर एक ऑर्गेनेली के स्पेशलाइज स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है जो सेलुलर रेस्पिरेशन और करती है, और राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली है. और जो सेल का फंक्शन है वो जो डिफरेंट स्पेशलाइज जो स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो अकम्प्लिश करते हैं. और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है सेल विद इन द सेल, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं. अगर हम प्रोकैरियोट्स और प्रोटीज का केस देखें तो इसमें इंटायर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन अगर फंजाई, एनिमल्स और प्लांट को देखें तो इसमें ऑर्गेनिज्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है. फिर फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसमें टिश्यू लेवल आ जाता है, जिसमें सिमिलर सेल्स जो हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रुप्स में और टिश्यूज़ बना देते हैं. और ये टिश्यूज़ जो हैं एज अ ग्रुप सिमिलर सेल एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे टिश्यूज़ ऑन लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस. और ये स्पेशलाइज्ड जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये फंक्शन ऑफ टिश्यू होता है. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जिसमें प्लांट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं जिसमें प्लांट टिश्यूज़ अगर हम देखें तो उसमें एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, एनिमल टिश्यूज़ में नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू आ जाते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फिर फिफ्थ नंबर पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल आती है. हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा टिश्यू होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये आपस में मिलके एक यूनिट बना देते हैं जिसको हम ऑर्गन कहते हैं. और डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन वही जो फंक्शन होता है वो ऑर्गन का फंक्शन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टमक को देखें तो वो ऑर्गन स्पेशलाइज्ड है डाइजेशन के लिए, प्रोटीन की और फूड की स्टोरेज के लिए. और इसमें दो अदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, टू मेजर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इसके स्ट्रक्चर में. वो एपिथेलियल टिश्यू आता है जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट करता है डाइजेशन और प्रोटीन के लिए.
मस्कुलर टिश्यू जो है वो कंट्रैक्शन करता है स्टमक वॉल्स की ग्राइंडिंग फूड के लिए और फूड के मूवमेंट पोस्टीरियर एंड पे। और लेकिन ये जो दोनों टिश्यूज़ हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो ही कलेक्टिवली बिकम बन जाता है फंक्शन स्टमक का। और जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन जो है वो मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं और हर एक ऑर्गन जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और जो कि कलेक्टिवली बन जाता है उस ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन। जहाँ यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें जिसका फंक्शन इस ऑर्गन सिस्टम का डाइजेशन है और इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक ही प्रोसेस डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। और प्लांट में कम्प्लेक्स है ये ऑर्गन सिस्टम, रूट सिस्टम्स आ जाता है इसमें, लेकिन ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन और एक्टिविटीज एनिमल में ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करता है। फिर इंडिविजुअल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, सिक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होते हैं और एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म बनता है और हर एक ऑर्गेनिज्म एक फंक्शन और प्रोसेस और एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है और ये सारे फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, व्हेन अ मैन इज़ एंगेज इन कॉन्टिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, तो ना सिर्फ उसके मसल्स वर्क कर रहे होंगे बल्कि उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होगा, हार्ट बीट भी इंक्रीज होगी। इस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के इंक्रीज होने से हार्ट बीट जो है वो मोर ऑक्सीजन सप्लाई करेगी और फूड सप्लाई करेगी मसल को ताकि वो कॉन्टिन्यूस वर्क करते रहें। फिर सेवन्थ जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉपुलेशन लेवल है, जिसमें बायोलॉजिस्ट ने एक्सटेंड कर दिया स्टडीज़ को पॉपुलेशन लेवल पे, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं ईच मेंबर या ईच स्पीशी की जो सेम हैबिटेट में रह रहे हैं उनकी इंटरेक्शंस। और पॉपुलेशन जो है डिफाइन की जाती है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी, जो उसके ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको डिफाइन करता है ये। और ह्यूमन पॉपुलेशन की, जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2010 में 173.5 मिलियन इंडिविजुअल थे। स्पीशी जो है वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कैपेबल होता है इंटरब्रीडिंग के लिए और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, और हैबिटेट वो इन्वायरमेंट होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं। फिर कम्युनिटी लेवल आ जाता है, एट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशन जो है असेंबल होकर कम्युनिटी बनाती हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं एक ही इन्वायरमेंट में। जैसे फॉरेस्ट इसके एग्जाम्पल आ जाती है, जिसमें हम प्लांट देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, एनिमल स्पीशीज, और फॉरेस्ट में फॉरेस्ट कम्युनिटी भी आ जाती है, पॉन्ड कम्युनिटी भी होती है। इसमें दूसरे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, चेंज बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, जिनके ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। फिर बायोस्फीयर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का आ जाता है, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ में जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो सारी कम्युनिटीज़ मिलके बायोस्फीयर बना देती हैं, जिसमें सारे इकोसिस्टम भी आ जाते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, और ये सारा जो है ज़ोन ऑफ लाइफ कहलाता है अर्थ पे।